तो दोस्तों आ चुके हम मोबिलिटी एक्सपो 2024 के अंदर। प्लान हमने कर लिया थोड़ा सा चेंज। हम क्या करने वाले हैं, हम स्टॉल बाय स्टॉल बात करेंगे और जितने भी व्हीकल है उनका एक बेसिक वॉक अराउंड करा रहे होंगे आपको ब्रांड बाय ब्रांड। सो मज़ेदार होने वाला है। मगर अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगे और इस शोर शराबे के बीच में आपको बहुत कुछ बातें जाननी हो तो आप क्या कर सकते हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करें, हमें बता सकते हो कि अगला व्लॉग हमें कौन सा बनाना है, कौन से मॉडल के ऊपर बनाना है। तो अब शुरू करते हैं MG की स्टॉल से, जो कि हमारा सबसे पहला स्टॉल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर MG हेक्टर से। बहुत खूबसूरत गाड़ी, 5-सीटर 7-सीटर दोनों में मिलती है। बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होगी मगर आपको बेसिक बेसिक बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से दिखती है पीछे से हेक्टर, जिसमें हेक्टर की स्पेसिंग के साथ ब्रांडिंग आती है, 360 कैमरा, बहुत बड़ी लाइट और उसके साथ में बहुत प्यारा कलर। अब अंदर की तरफ आप देखो तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार का प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है। और फ्रंट के अंदर अगर बात करो तो बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन इसमें आपको मिलता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और अगर आपको MG हेक्टर के बारे में जानना है तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। अब आते हैं MG ZS EV के ऊपर। देहरादून से जयपुर या फिर दिल्ली से देहरादून मैं इस गाड़ी को लेकर गया था। बहुत अमेजिंग पावर है, स्पोर्ट्स मोड के अंदर गोली है ये गाड़ी। 5-सीटर वेरिएंट में आपको मिल रही होती है और कुछ इस प्रकार से दिखता है इसका इंटीरियर। अगर इस गाड़ी के ऊपर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बीचों बीच राउंड शेप में इसमें डायलर आ रहा होता है और सिर्फ एडास वाला फीचर ऐसा है जो कि इसके अंदर हमारा बच रहा है। बाकी हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर कर दी। सेम एस्टर और ZS EV में फ्रंट फेशिया और बॉडी शेल जो है वो सेम की सेम आ रही होती है। अब थोड़ा सा जल्दी घूमते हैं क्योंकि हमारे पास में टाइम भी कम है और वीडियो थोड़ा सा लंबा है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही स्मार्ट मोबिलिटी, जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड मोस्ट प्रैक्टिकल शहर में चलने वाली हमारे सामने गाड़ी खड़ी है। कॉमेट से ज़्यादा ब्यूटीफुल, कॉमेट से ज़्यादा अमेजिंग कुछ भी नहीं हो सकता। शहर के हिसाब से बनाई हुई गाड़ी, आपकी घर पे चार्ज होने वाला व्हीकल है। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो एग्जैक्ट जैसे कोई प्रीमियम आईफोन जैसे कुछ कहते हैं ना, आईपॉड जैसी फीलिंग वैसी इसके अंदर आ रही होती है। 10.25 की डुअल स्क्रीन्स है, बीचों बीच रोटर है, आपको ऑटो पावर विंडो जैसे सारे फीचर्स इसमें मिल रहे होते हैं। और जयपुर शहर में इससे प्यारी चीज़ मुझे चलाने में कुछ भी नहीं लगती। अब यहाँ से चलते हम आगे की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसके अंदर क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे वॉक करता हूँ जैसे होता है ना एक एक करके सारे व्हीकल्स को एक्सप्लोर करना, ये बिल्कुल वैसा ही है हमारे सामने की तरफ। अब आप देख रहे हैं MG ग्लॉस्टर ब्लैक एडिशन, ब्लैक और रेड का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और 4x4 में आपको मिल रही होती है। 7-सीटर है, अंदर का इंटीरियर बेइंतहा खूबसूरत है। पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो 4WD एडास की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बस मुझे एक चीज़ इसमें अलग सी लगी कि 4x4 का कोई बटन नहीं है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर बहुत अमेजिंग आपको कैप्टन सीट्स मिलती है और फ्रंट और रियर के अंदर AC वेंट और 360 कैमरा जैसी सारी की सारी चीज़ें। बहुत अमेजिंग वाला इसमें गियर शिफ्टर आपको मिलता है। बस मुझे इसके अंदर ना सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रहा होता हूँ कि इसके अंदर 4x4 का स्विच कहाँ पर है। अगर आप मुझे बोलोगे तो जल्दी ही हम MG ग्लॉस्टर से कहीं ना कहीं अमेजिंग वाली ऑफ रोडिंग करने के लिए जाएंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो विल ट्राई कि हम जल्दी से एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आएँ इस शोर शराबे में। अगली गाड़ी जो आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं वो है ना 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 ना। एस्टर। सो गाइज, इसका जो मिड वेरिएंट है, सेलेक्ट वेरिएंट है, उसके ऊपर हमने ब्लॉग बना दिया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। सेम ZS EV और एस्टर में सेम प्लेटफॉर्म है। पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक मैनुअल CVT जैसे सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रंट की लाइट, आगे पीछे डिस्क ब्रेक और उसके साथ में हमारे भाई जी अंदर लगे हुए कंटेंट बनाने में। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का ZS EV और सेम का सेम इंटीरियर मिलता है। बहुत बड़ी इसके अंदर सनरूफ मिलती है और उसके साथ में इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट और एडास जैसे बहुत सारे फीचर मिल रहे होते हैं। अगर आप हमें बोलोगे तो वील ट्राई कि हम इस गाड़ी के ऊपर पूरा का पूरा टॉप मॉडल पे आपको एक वीडियो बनाकर दें। अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम MG की कौन सी गाड़ी का वीडियो देखना चाहते हो डिटेल में और कौन से वेरिएंट का, वो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं। तब तक वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा,
और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।